जो माफिया दे रहा है बर्थडे है मेरे बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे माफिया दे रहा है। अरे तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो सब बढ़िया। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू मी। तो आज मेरा बर्थडे है, तो आज के दिन कुछ नहीं भाई, कुछ खास है ही नहीं। ठीक है, खास इसलिए नहीं है क्योंकि आज मेरा पहला एग्जाम है फिफ्थ सेम का। सबसे पहले चाह रहे हैं वहीं एग्जाम देने, तो 9:30 बजे से एग्जाम है और अभी का टाइम हो रहा है 7। तो अभी हम लोग रेडी होंगे, आराम से रेडी वेडी होकर सीधे जाएंगे कॉलेज। तो कॉलेज नहीं, हाँ कॉलेज ही जाएंगे, मतलब पूर्णिया कॉलेज। ठीक है, हम लोग का सेंटर पूर्णिया पड़ता है, तो वहीं जाएंगे एग्जाम देंगे। ठीक, बाकी बिना पढ़े जा रहे हैं, मतलब पढ़े हैं, बिना पढ़े तो नहीं जा सकते, पढ़े हैं, नॉर्मल पढ़े हैं, मस्त पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं उतना तो लिखना है, बाकी भाई भगवान भरोसे। तो बाकी गाइस सीधे होते हैं रेडी, एंड रेडी होकर आपसे मिलते हैं डायरेक्ट, तो बने रहे ब्लॉग में। तो गाइस अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, एकदम नहा धो के फ्रेश, बस खाना बचा है, तो जाते हैं नीचे जाके खाना खाते हैं, उसके बाद सीधे निकलेंगे कॉलेज के लिए एग्जाम सेंटर। लेट्स गो गाइस, सीधे आपको दिखाते हैं पूरा एकदम कॉलेज जाने का सिनेमैटिक व्यू। लेट्स गो गाइस। तो हेलो गाइस, देख सकते हो हम लोग का ये हॉस्पिटल है, मतलब सॉरी हॉस्पिटल नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, कॉलेज है। हाँ कॉलेज है। तो गाइस ये हम लोग का कॉलेज है, हम लोग आ चुके हैं, जाते हैं पहले मंदिर, मंदिर से जाके आशीर्वाद लेके फिर घुसते हैं कॉलेज में। लेट्स गो गाइस। सरस एग्जाम का तैयारी कर लिया? हाँ भाई, हो गया। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अब मंदिर, मंदिर में आके भगवान जी का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ बच्चा यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा है, कोई दिक्कत ही पता नहीं इन लोग को क्या होता है, पूरा सेमेस्टर तो पढ़ता है नहीं, यहाँ पे आके पढ़ रहा है, बताओ। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं एग्जाम हॉल में, तब तक के लिए मिलते हैं सीधे आपको एग्जाम के बाद, क्या कि अंदर में तो फोन अलाउड है नहीं, तो डायरेक्ट मिलते हैं एग्जाम के बाद। बाकी बने रहे ब्लॉग में, ठीक है। 1:30 बजे तक एग्जाम है, 1:30 बजे तक एग्जाम है, हाँ 9:30 से 1:30 बजे तक एग्जाम है। लेट्स गो गाइस, सीधे अंदर चलते हैं। हेलो गाइस, तो हम लोग का एग्जाम खत्म हो चुका है, हम लोग आए हुए अभी खाना खाने, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग क्या खा रहे हैं, तो एक तरह से पार्टी कर रहे हैं, बाकी पैसा हम मेरा नहीं लग रहा, पैसा ही लोग कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, क्या कि हम गरीब हैं, एक प्लेट ना यहीं, हाँ गरीब है, हम गरीब हैं, तो ये रहा हम लोग का यहाँ का पार्टी, जो माफिया दे रहा है पार्टी मेरे बर्थडे पे माफिया दे रहा है। अरे तो हम लोग वहाँ पे पेट पूजा करके एकदम वहाँ से फिर अपने अपने रूम के लिए निकल गए। तो आज का दिन बस उतना भी खास रहा नहीं है, नॉर्मली एग्जाम दिए, एग्जाम भी सही गया, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत तो रहा नहीं एग्ज़ाम में, बाकी अब अगले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। एंड आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मतलब नॉर्मल कुछ ज़्यादा स्पेशल तो रहा नहीं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में उतना मज़े करने का मन भी नहीं है, बट इतना है कि आज का जो पार्टी, मतलब 6 अप्रैल का जो मेरे बर्थडे का पार्टी है, उसको मैंने पोस्टपोन किया है किसी और दिन, तो वो आपको अभी नहीं, मतलब बाद में पता चल जाएगा किस दिन रखेंगे, क्या करने वाले हैं उस दिन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेट करेंगे बट बाद में करेंगे पूरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि 18 तक तो हम लोग का एग्ज़ाम ही चलेगा, तो उसके बाद ही कुछ प्लानिंग करेंगे, ठीक है। बाकी अभी एग्ज़ाम है तो पूरा एग्ज़ाम पर फोकस है हम लोग का, तो बाकी अभी हम लोग घर जा रहे हैं, हम घर पहुँचने वाले हैं। तो दिन भर कुछ खास रहा नहीं, बट आज का शाम बहुत ही खास है, क्योंकि आज है KKR वर्सेस RCB का मैच। तो गाइस हम सीधे बैठ चुके हैं मैच देखने, तो आपको वीडियो दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। बाकी आज का मैच बहुत ही मस्त रहा, स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि RCB एक तरफा जीतेगा भाई, क्या ही डाउट, खटखट से विकेट गिर रहा था, बट उसके बाद एंट्री हुआ लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, उन्होंने आगे क्या ही धोया RCB के बॉल को, क्या ही धोया भाई, मतलब 63 रन भाई, मतलब खतरनाक, जो रन पहुंचता नहीं 150 को उसको 200 पार ले गया, कोई दिक्कत नहीं, 200 था उत्तर चलता, क्योंकि RCB भाई आराम से उसको चेंज कर सकता था। उसके बाद एंट्री हुआ विराट कोहली का, लगा कि भाई ये दोनों मिलके आराम से जिता देंगे, खटखट छक्का चौका लगा था, बट अगले ही ओवर में स्पिनर का जैसे ही आया
खट खट से दो विकेट गिरा। उसी टाइम मेरा दिल टूटा, बाकी आरसीबी फैन का दिल टूटा कि भाई ये क्या हुआ। उसके बाद खट 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 पूरा विकेट गिरते गया एंड आरसीबी ज़्यादा भी नहीं 130 भी पार नहीं कर पाई एंड ऑल आउट हो गई। तो यहाँ पे केकेआर ने बहुत अच्छे से विन किया 81 रन से। बाकी बहुत अच्छे खेली दोनों टीम ने, अच्छा खेला। बाकी आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको फिर से कहीं दूसरे ब्लॉग में। तो आज का कुछ दिन ऐसे भी खास रहा नहीं, बाकी आप आराम से जाते हैं सोने। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।